नमस्कार, मुकेश खाना खजाना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बैंगन की एक ऐसी डिश जिसका नाम है बंगाली बैंगन भाजा। ये इतनी क्रिस्पी है जो सभी को पसंद आती है। आपने नहीं खाया होगा इस तरह से बंगाली भाजा को। गोल बैंगन इसमें लिया जाता है जिसको लेकर के हम अभी बताएंगे आपको, स्लाइस काटेंगे और इसी के साथ हम लेंगे एक मीडियम साइज का या बड़ा आलू, उसको भी हम चिप्स काटेंगे। आइएगा, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो शेयर जरूर करें, लाइक करें, देखें कैसे बनाते हैं। ये सभी के साथ, चाय के साथ खाएं, जिसके चाय खाएं, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ खा सकते हैं। ये हमने एक गोल बैंगन लिया, आप गोल लें, लंबे भी ले सकती हैं, और इसको हमने डंठल काट दिया ऊपर से और इसके चिप्स काटेंगे। देखिएगा इस तरह से चिप्स काटेंगे। देखिएगा, अगर आप चाहें तो चिप्स कटर से भी चिप्स काट सकती हैं। ये देखिए, ये खाने में इतना स्वादिष्ट होता है, आप आज ही बना के खाएं, फिर देखें कि सबको पसंद आएगा। इतना क्रिस्पी होता है, अगर आप चाय के साथ खाएंगे तो लगेगा कि ये इतनी करारा बैंगन नहीं लगेगा आपको। ये चाय के साथ खाएं अगर, तो आप इसमें चाट मसाला ज़रूर डाल लें ऊपर से और फिर लोगों के आगे सर्व कर दें। सर्व करना मैंने आगे चित्र में दिखाया ही है कि किस तरह से आप सर्व कर सकते हैं। अब ये हमने बैंगन काट लिए हैं धो करके, अब हम आलू, एक आलू लेकर के इसके भी चिप्स ही काट रहे हैं। आप चिप्स कटर से काट सकती हैं इन आलूओं को। ये दो व्यक्तियों के लिए नाश्ता या खाने में खाना चाहें तो ये दो व्यक्तियों के लिए हो जाएगा। आप देखिएगा, अब इसमें हम काट के रख लिए हैं हमने प्लेट में नमक। अब इसमें हम नमक सॉल्ट डालेंगे चम्मच से। इस तरह से हर पीस पर थोड़ा सॉल्ट जरूर गिरना चाहिए। ये हर पीस पर गिरेगा। जब आप बैंगन, और ये सैलो फ्राई है, अब इसमें हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर लेकर के, अब हम इसमें देखिएगा हल्दी पाउडर हर चिप्स के ऊपर डालना है। ये बनेगी थोड़ा सा ही है, जो लोग मछली फिश नहीं खाते हैं उनके लिए फिश। ये इतने क्रिस्पी बनते हैं, जो कि अब हमने ये धनिया पाउडर डाला। ये मिर्च डालेंगे हम पाउडर, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि मिर्च कितनी करारी सब्जी बैंगन की का स्वाद, मिर्च का तीखापन इसमें एक बहुत आनंद लाता है। इसी तरह से रखे रहने देंगे कुछ देर के लिए। अब हम उसको चाहें तो सॉटे कर सकते हैं, मिर्च कटी हुई अन्यथा ऐसे ही रखा रहने दें मात्र 5 मिनट के लिए। अब हमने ये 2 चम्मच बेसन डाले, 2 चम्मच बेसन लिया और 3 चम्मच इसमें हम अरा रोट डालेंगे, कॉर्न फ्लोर। अब हम देखिए डाल लिया है, और आधी चम्मच सॉल्ट डालेंगे क्योंकि नमक हम उसमें डाल चुके हैं।
इसमें अब हम गरम मसाला, धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, थोड़ा सा काला नमक, काला नमक था, एक छोटी चम्मच, आधी चम्मच आने की छोटी आधी चम्मच काले नमक का स्वाद अच्छा लग जाता है। ये अजवाइन है क्रश की हुई, आधी चम्मच, हल्दी पाउडर एक चौथाई चम्मच, हल्दी एक चौथाई चम्मच, धनिया पाउडर एक चौथाई चम्मच, ये लाल मिर्च पाउडर गरम मसाला एक चौथाई चम्मच, ये लाल मिर्च, जीरा पाउडर, जीरा जरा सा, ये थोड़ा सा जीरा है। अब हम इसको मिक्स करेंगे और बैटर बनाएंगे पानी से। अब हम इसको ये हमने मिक्स कर लिया और इसमें एक आधा कप पानी करके घोल बना लेंगे, पानी में ही बैटर अच्छा सा बन जाएगा। ये देखिएगा धीरे धीरे के इस तरह से मिलाएंगे ताकि इसमें कोई गांठ ना पड़ जाए, आराम से धीरे धीरे को पतला नहीं करेंगे, फेंटेंगे, देख रहे हैं आप। ये देखिए ये घोल तैयार हो गया है। अब हम फ्राई पैन को गैस पर चढ़ाएंगे। अब हम इसमें चिप्स को, बैंगन के चिप्स को उठा करके बैटर में डालेंगे और इस तरह से डिप करेंगे। गैस में, गैस पर हमने फ्राई पैन में तेल डाल दिया है, गरम हो रहा है। अब इस गरम तेल में हमने चिप्स को, बैंगन के रख दिया है। इसी तरह से हम दूसरे बैंगन के चिप्स को बैटर में डुबो करके रखेंगे। गैस, ये देखिएगा ये रख दिया है, गैस को स्लो ही रखेंगे, स्लो से थोड़ा ऊपर, मीडियम कह सकते हैं, हाई गैस पर नहीं रखेंगे क्योंकि बैंगन जल जाएंगे। फिर इस तरह से हम इस फ्राई पैन में जितने भी आ सकते हैं 5-6 पीस वो रख देंगे। ये देखिएगा एक एक करके जगह पर धीरे धीरे, देखिएगा अगर धीरे धीरे कैसे सिक रहे हैं, आप देख रहे हैं। स्लो गैस पर आज पैन घर बैठे पकाएंगे, आपको कितनी क्रिस्पी रेसिपी बनाने के लिए दिखाई जा रही है, जो आप कभी नहीं बनाई होगी बैंगन की इस तरह की रेसिपी जो हम आपको बता रहे हैं। देखिएगा रंग, उन बैंगन का रंग चेंज हो रहा है, वो डार्क हो रहे हैं, देखिएगा। अब हम इसको देखेंगे, किस हिसाब से सूख रहे हैं। वाह क्या बात है, कैसी करारी सिक रहा है, ये देखिए करारापन, देखिएगा कितना अच्छा रंग आया है, ये देखिएगा
प्रत्येक बैंगन का रंग बहुत ही क्रिस्पी सा आ रहा है। ये देखिएगा लग रहा होगा पहले पकाएंगे फिर बैंगन भाजा। ये देखिएगा अब हम इसमें अंदर तक आलू या बैंगन अंदर तक तक जाए इसके लिए हम चाकू से गोद देंगे ताकि अंदर तक ये अच्छी तरह से सिक जाए। करारा होगा जो आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। ये देखिए कितना क्रिस्पी हो रहा है बैंगन। ये देखिएगा कैसे लोगों को हो रहा है। नहीं ये बैंगन की रेसिपी है। क्या बैंगन की रेसिपी ऐसे भी बन सकती है? इसे बंगाल में हर घर में बना के खाया जाता है। देखिएगा गया है दोनों तरफ से करारा हो गया है। तो हम मतलब इसको देखिएगा कितना करारा करती। ये एक ऐसी डिश है जो आप ये देखिएगा दोनों तरफ से ये देखिएगा अब हम कितना कच्ची लग रहा है। निकाल लेते हैं गैस स्लो कर देंगे इसको पता निकाल लेंगे पूरी। ये सिक गए हैं करारे। ये देखिएगा सारे कच्ची हो गए। हर पीस कच्ची है। ऑयल का भी ज्यादा यूज नहीं किया गया है। इसे हर व्यक्ति खा सकता है। क्या करारा सिक्का है। और ये देखिएगा पोटैटो है। हर व्यक्ति खा सकता है। इसी तरीके से हम सबको अब हम कर लेंगे इसमें फिर से डालेंगे साथ में ही आलू के चिप्स भी डिप करके हम इसमें डाल देंगे। देखिएगा कुछ घी डालेंगे ताकि मात्र 2 चम्मच घी में दो तीन चम्मच घी में ही ये क्रिस्पी सिक जाते हैं। ये देखिएगा ये बैंगन भाजा बन चुका है। अब आपको इस तरह से प्लेट इस तरह से डेकोरेट करें। ये रेसिपी इस तरह से डेकोरेट करें। ये रेसिपी आपको कैसी लगी बंगाली भाजा की? शेयर करें लाइक करें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। अलग अलग तरीके से जब बनाएंगी आप इसे चटनी से भी खा सकती हैं टमाटो केचप से खा सकती हैं।